रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पशु चिकित्सालय के बाथरूम में मिली लाश, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पूर्व पति ने महिला के घर की चोरी, चोरी का आरोपी करता है ऑनलाइन ठगी। शहर में सेठ सेठानी का नानकशाही निकाला स्वांग, पहल सेवा संस्थान निकालता है हर वर्ष स्वांग। पैसे मंगाने के बहाने दुकानदार से मांगा मोबाइल, दो बाइक सवार मोबाइल लेकर हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। देश में अलग अलग जगहों पर होली के मौके पर कुछ न कुछ परंपराएं व संस्कृति हैं जो आज भी जीवित हैं। होली के ये आयोजन होली को यादगार बना देते हैं। अलवर में भी होली के अवसर पर खास तौर से सेठ सेठानी का नानकशाही स्वांग निकाला जाता है। स्वांग निकालने की परंपरा राजशाही समय से चली आ रही है। पहल सेवा संस्था की ओर से होली से पहले यह स्वांग निकाला जाता है, जिसमें होली की मौज मस्ती के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिया जाता है। सेठ सेठानी के स्वांग में एक मुनीम अपनी सुंदर सेठानी को ऊंट पर बैठाकर उगाही करने निकलता है और इसी दौरान एक फकीर सेठानी पर मोहित हो जाता है। सेठ और फकीर के डायलॉग ही इस स्वांग का मुख्य आकर्षण होते हैं। शहर के काशीराम चौराहे से मंत्री संजय शर्मा ने स्वांग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे शहर भर में यह स्वांग निकाला गया, जिसका लोगों को साल भर इंतजार रहता है। स्वांग जो है लोक परंपरा का है और अलवर में ये स्वांग जो है वो करीबन 150 साल से निकाला जाता रहा है और स्वांग जो है वो अब लुप्त प्राय स्थिति में है। अलवर में इस समय आपके सेठ सेठानी का स्वांग निकाला जा रहा है और इसको पहल संस्था निकाल रही है। पहले इसको अलवर उत्सव समिति, जिसका मैं हरिशंकर गोल संयोजक था, हम निकालते थे। तो ये स्वांग जो है इसको मैं सेठ की भूमिका में शंकर लाल जी जो आपके हैं वो हैं और सेठानी जो है वो राजऋषि अभय समाज के दो कलाकार जो हैं वो अब बने हैं। इसी स्वांग में सेठानी जो है वो ऊपर बैठती है और उसकी सहायक भी उसके साथ चलती है। साथ ही साथ फकीर के रूप में बिल्कुल नए एक साथी को संचालित किया गया है और वो जो डायलॉग्स हैं उनको ये बोलते हैं कि शहर के अंदर सारे शहर में ये काशीराम चौराहे से होते हुए खूब सर्कस आपके और त्रिपोलिया और साथ में जगन्नाथ जी के मंदिर होकर के वापस जो है विवेकानंद चौक होते हुए वापस बस स्टैंड होते हुए कंपनी बाग और सारे शहर में राउंड लेगा। और इस में जो है वो हमारे जो कलाकार हैं वो सेठ जो है सेठ और उसके मुनीम जो हैं वो चलते हुए मुनीम जो है वो उगाई करेगा दुकानदारों से और अपने डायलॉग्स करेगा। फकीर जो है वो सेठानी से कहेगा कि तुम मेरे साथ आ जा और मेरे साथ चल, इस सेठ के साथ रहने से क्या फ़ायदा है। तो ये बहुत व्यंग्यात्मक रूप है और इस उगाई के साथ ही साथ बहुत से ऐसे वक्तत्व हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जिसमें हंसी मजाक उठता है और होली में उसको एक आधार बिंदु बनाया जाता है। कितने सालों से निकाला जा रहा है ये? हमने तो 30 साल निकाला और 17 साल से पहल संस्था निकाल रही है। उससे पहले भी अलवर में कैंप से माली समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और बड़ेरिया पाली के बाबूलाल जी। राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड़ गांव के धर्मपुरी सड़क मार्ग पर स्थित गुजरों के कुएं के पास एक बिंजार का किसी अज्ञात ने पैर जख्मी कर दिया। पालिका कर्मी जुगनू तंबोली ने बताया कि SDM राजगढ़ व पालिका EO ने उन्हें सूचना दी कि किसी अज्ञात ने बिंजार के एक पैर को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बिंजार मौके पर पड़ा हुआ था। सर्व समाज टीम ने विक्रम सैनी ने मौके पर JCB बुलवाई और ग्रामीणों की सहायता से ट्रैक्टर में रखवाया।
जहां घायल बिंजार को राजगढ़ स्थित भौरंगी गौशाला पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहाँ का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र पर ट्रेनिंग मैनेजर राजस्थान अरुण अमेटा व GR चौधरी एरिया मैनेजर ने लक्ष्मणगढ़ का विजिट किया। आए हुए अतिथि का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वह ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ के ग्राम हसनपुर में AWC कैंप में भाग लिया। वह कैंप में ग्रामीण महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वह अटल पेंशन योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वह ग्रामीण महिलाओं को RCET स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र से जुड़ने के बारे में जागरूक किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर चर्चा की गई, जिसमें सेंटर मैनेजर नवीन कुमार शर्मा, फील्ड कोऑर्डिनेटर कठुमर प्रिया चौधरी, रैनी FC मानसिंह कोहली, लालचंद मीना, महकराम मीना, गीताबाई राजपूत, धर्मवती सैनी व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भरतपुर स्टेशन की जिला स्तरीय पुलिस बैठक का आयोजन रामगढ़ तहसील में किया गया। बैठक में लक्ष्मणगढ़ वृत्ताधिकारी सुरेश कुड़ी, रामगढ़ वृत्ताधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई, नौगांव, रामगढ़ और गोविंदगढ़ के थानाधिकारी सहित HPCL से सुदीप घोष, धर्मेंद्र कुमार और तेजराम मीना मौजूद रहे। HPCL के सहायक प्रबंधक तेजराम मीना ने बताया कि बैठक में द एक व्यापक प्रस्तुति दी गई, जिसके अंतर्गत HPCL पाइपलाइन सुरक्षा P&MP अधिनियम और पाइपलाइन सुविधाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा में सुरक्षा खतरों से संबंधित और HPCL और पुलिस के बीच सामान्य गतिविधियों और आपात स्थितियों में समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। रामगढ़ वित्ताधिकारी ने विशेष रूप से HPCL पाइपलाइन के लिए निरंतर मौसम समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहाँ का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मुंडावर अभिभाषक संघ ने गुरुवार को होली मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय कुमार एवं ACJM धर्मवीर सिंह रुलानिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में पानी बचाने के लिए तिलक होली खेलने पर जोर दिया गया। इस दौरान समारोह में एडवोकेट सतीश नाहर खेड़ा के व्यंग एवं किस्सों पर जमकर ठहाके भी लगाए गए। इस मौके पर अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक चौधरी, गंगाराम पटेल, विक्रम यादव, सुभाष शर्मा, जगन्नाथ यादव, बंटी शर्मा, बस्ती राम, रामावतार चौधरी, सतीश, रूपेश हवेली, महेश सरजीत, अनिल, पृथ्वी सिंह, मनोज खेमचंद, अमित सीताराम चौधरी, सतवीर चौधरी, केशव सिरोहीवाल, दयाराम, राकेश, राहुल, जितेंद्र, देवेश, अश्विनी, मुकेश पटेल, दीपक, विष्णु, धर्मेंद्र, अभिराज, बालकृष्ण आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित टहला बाईपास पर लंबा जाम लग गया। जाम लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रत्यक्षदर्शी बाबूलाल सैनी ने बताया, टहला सड़क मार्ग पर निर्माण होने की वजह से वन वे हो जाने के कारण ट्रक व डंपरों की लाइन लग गई, जिससे टहला बाईपास तक कतारें लग गई। इस वजह से अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग अवरुद्ध हो गया। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 घंटे जाम रहा। सूचना पर थानाधिकारी रामजीलाल मीना मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया। ना बताओ सर। हाँ जी, टहला रोड बाईपास चौराहे का निर्माण चल रहा है, वन में होने के कारण एकनी मेगा हाईवे पांडिकोई सिकंदरा अलवर इसमें जाम लग गया डेढ़ दो घंटे करीबन, और पुलिस ने आके फिर इसको जाम को खुलवाया। दोनों ओर कितनी लंबी कतारें लग गई थी? हाँ, बहुत लंबी कतारें लग गई इसमें, 1.5 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस व्यवस्था आई, पुलिस व्यवस्था ने ट्रैफिक खुलवाया। कितनी देर बाद जाम खुलवाया? 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद में जाम खुलाया? जाम खुलाया 2.5 घंटे बाद में जाम खुलवाया। 11 बजे से 1:30 बजे तक करीब यातायात व्यवस्था खराब रही। आपका सब नाम? बाबूलाल सैनी मेरा नाम है। टहला बाईपास चौराया मेरा मकान है, यहीं पे है कि नहीं। 2.5 घंटे बाद में ट्रैफिक खुलवाया पुलिस ने, व्यवस्था करके पुलिस व्यवस्था हुई जब मेगा हाईवे टहला रोड बाईपास चौराया खुलवाया। माँ माधुरी व्रज वारिस सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर द्वारा संचालित संतोष कुमार जानकी देवी अरोड़ा गुरुकृपा अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर अलवर में शनिवार को अपना घर कार्यकारिणी और आजीवन सदस्यों ने मिलकर प्रभु स्वरूप आवासियों के साथ होली मिलन समारोह मनाई। इस कार्यक्रम में सभी प्रभु आवासीय सेवा साथी भी सम्मिलित हुए। सभी ने एक दूसरे के गुलाल लगाया और होली गीतों पर डांस किया। ठंडाई, मिठाई और नमकीन का आश्रम में स्थापित राम मंदिर में भोग लगाने के पश्चात सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। होली मिलन से पहले आश्रम की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सचिव सतीश सारस्वत ने 1 अप्रैल से अब तक की आश्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि पिछले एक साल से भी कम समय में 136 SI पीड़ितों को रेस्क्यू कर अलवर आश्रम में भर्ती किया, 62 को उनके परिवारजनों की तलाश कर उन्हें सुपुर्द किया तथा 64 को आश्रम की क्षमता से अधिक होने के कारण समय समय पर अन्य आश्रमों में शिफ्ट किया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी के अध्यक्ष अशोक मेठी ने की। गजेंद्र यादव ने चिकानी में निर्माणाधीन अलवर के तीसरे अपना घर आश्रम की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग सभी कार्य पूरा हो चुका है, शीघ्र ही 50 प्रभुजी की क्षमता के साथ आश्रम की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर वित्त सचिव गजेंद्र यादव, महिला आश्रम के अध्यक्ष अशोक आहूजा, उपाध्यक्ष शिव कुमार दुआ, डॉक्टर के गुप्ता, शिव दयाल शर्मा, अशोक गुप्ता, के खंडेलवाल, BD गुप्ता, कमल कपूर, सुरेंद्र सोनी, सचिन सक्सेना सहित कई आजीवन सदस्य उपस्थित रहे। 22 मार्च को अपना घर आश्रम महिला शाखा वैशाली नगर विस्तार पर होली मिलन समारोह रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ था, जिसमें सेवा साथी शीतल शर्मा व कविता प्रजापत ने राधा कृष्ण की भूमिका अदा की, जबकि 115 प्रभुजी 13 सेवा साथियों के साथ पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंत में फूलों से होली खेली कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक आहूजा ने की, जबकि संचालन उपाध्यक्ष सरला जैन ने किया। पदाधिकारी सचिव रेणु मिश्रा एवं वित्त सचिव सुरेंद्र सोनी ने विचार प्रस्तुत करते हुए आभार प्रकट किया। इस दौरान सरला जैन ने कहा कि इस होली में साक्षात प्रभु दर्शन हुए हैं, जबकि स्पेशल डाइट अल्पाहार का सहयोग का तनिष्क जैन, सैनिक अमीचंद, के खंडेलवाल, रेणु मिश्रा, करिश्मा दीप्ति अरोड़ा की ओर से की गई। कार्यक्रम में इंदु सोनी, सुशील शर्मा, पूनम शर्मा, लीना सिंह, राहुल मिश्रा, अंजू जैन, रेखा जैन, NK जैन और महेंद्र आहूजा उपस्थित रहे।
पुरस्कार अभियान के तहत अंतर राज्य भ्रमण के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की छात्रा सिमरन का चयन हुआ है। छात्रा ने विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करके उनके बारे में जानकारी ली। संस्था प्रधान नीलम यादव ने बताया कि अंतर राज्य भ्रमण एक्सपोजर विजिट के लिए विद्यालय की छात्रा सिमरन का चयन हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत समसा अलवर की टीम प्रभारी सुमन लता के साथ सिमरन ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सहित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया व उनके इतिहास के बारे में जानकारी ली। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा व पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने रिको हिल टॉप भिवाड़ी पर गौरव चतुर्वेदी सलाहकार इंफ्रा रिको लिमिटेड जयपुर का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। रिको सलाहकार इंफ्रा के समक्ष भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने सड़कों की दयनीय स्थिति में सुधार की जरूरत, सड़कों के दोनों तरफ रोड लाइटों का अभाव, साथ ही नालियों की सफाई कराने पर जोर दिया। इसके अलावा सड़कों से धूल मिट्टी की सफाई कराने, जिसके चलते दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को दोषी ठहराने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिसके फलस्वरूप भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र को 5 माह के लिए हर वर्ष अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। रिको सलाहकार इंफ्रा ने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आ रही सभी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द सभी समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन दिया। बैठक में BMA के मानद सचिव GL स्वामी, उपाध्यक्ष प्रदीप भदौरिया, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, संयुक्त सचिव PC राय, संपूर्ण सिंह, उप कोषाध्यक्ष गोविंद प्रसाद गुप्ता, ईश्वर सिंह, राजेंद्र सिंह, नितिन रस्तोगी, सुनील जैन आदि उपस्थित रहे। नौगांवा नगर पालिका में स्थित इब्तिदा संदर्भ केंद्र पर रामगढ़ ब्लॉक के 40 गांवों की ग्राम अधिकार सखियों ने होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया। इब्तिदा संदर्भ केंद्र के क्षेत्रीय समन्वयक मुकेश कुमार राठी ने होली पर उद्बोधन दिया तथा सभी सखियों समाज में फैल रही सामाजिक कुरीतियों को महिलाएं मिलकर समाप्त करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि महिलाएं अब आगे आकर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। बाल विवाह रुकवाना, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, बालिका शिक्षा, शराबबंदी आदि के साथ साथ ग्राम अधिकार सखी सरकारी योजनाएं व सामुदायिक काम को लेकर महिलाओं ने अपनी अलग छवि बनाई है, जिससे समुदाय के लोग महिलाओं पर विश्वास करने लगे हैं। पंचायती राज में इन महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ग्राम सभा, वार्ड सभा में समुदाय के मुद्दे निकलवाकर उनके प्रस्ताव तैयार कर ग्राम पंचायत तक पहुंचाना। संदर्भ व्यक्ति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय श्यामलाल ने अपने उद्बोधन में महिलाओं को बताया कि शिक्षा से समाज विकास करता है, पिछड़ापन दूर होता है। समस्त ग्राम अधिकार सखी शपथ ले कि अपने अपने गांवों में किसी भी बालक बालिका को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। समस्त सखियों को पिछले 3 वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशंसी पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुकेश राठी, भाग्यश्री, वारिशा खान, वीरवती, संजू, अनीता केलाबाई, मीरा सैनी, पुष्पा लक्ष्मी, वरिषा मूनपुर आदि उपस्थित रहे। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम मुकेश राठी, मैं इब्तिदा संस्था के अधिकार प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और आज हर माह की भांति इस माह भी अधिकार सखियों की मासिक बैठक की गई। इस बैठक में सखियों ने 40 गांव की सखियों ने भाग लिया, जिसमें RP श्यामलाल जी ने भाग लिया और उन्होंने महिलाओं के बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी को आह्वान किया और बालिका शिक्षा को जोर देने की बात भी कही। आज सभी सखियों ने अपने अनुभव शेयर किए, उन्होंने गांव में उनकी जो पहचान बनी है, लोग उनको हर कार्यक्रम में बुलाने लगे हैं, पंचायत में उनको बुलाया जाता है और उन्होंने वो शेयर किया कि कैसे आज गाँव में हमें हर काम में पूछा जाता है। इसके अलावा सभी सखियों ने आज, जैसे कि होली नज़दीक है तो होली मिलन समारोह मनाया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और बड़ी खुशी खुशी से गीत भी गाए। तो मैं इब्तिदा संस्था की ओर से मुकेश कुमार सबके सखियों के और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन अधिकार सखियों के पिछले 3 साल के बेहतर काम के लिए, अच्छे काम के लिए इनको प्रशस्ति पत्र देकर और पुष्प देकर सम्मानित किया गया और उन्होंने बड़े खुश होकर आगे इसी तरह और बेहतर काम करने की संकल्प लिया।
नीमराणा पंजाब नेशनल बैंक कृषि प्रशिक्षण केंद्र पशु स्वास्थ्य कैंप के तहत बाबा शिव स्वरूप गौशाला नागोड़ी सिलारपुर में बीमार गौवंशों के लिए जरूरी दवाई भेंट की। पंजाब नेशनल बैंक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि शाखा में पशु स्वास्थ्य कैंप के तहत बीमार पशुओं के लिए जरूरी दवाइयां प्रदान की जाती हैं, जिसे बाबा शिव स्वरूप गौशाला नागोड़ी सिलारपुर जाकर प्रदान की। इस दौरान बाबा शिव स्वरूप अध्यक्ष दलीप मुनीम, मास्टर वीरेंद्र सिंह, व्यवस्थापक ओम प्रकाश यादव, गौ सेवा संगठन अध्यक्ष गुलशन भारद्वाज, हंसराज लंबरदार, राजीव मुदगल, रामपत यादव, चोखा राम, पंजाब नेशनल प्रशिक्षण केंद्र के डॉक्टर हरिकिशन प्रभात, दीपक शर्मा आदि मौजूद रहे। हरसौली कस्बे सहित आसपास के गांवों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए खैरतल थाना पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने शुक्रवार को कस्बे सहित पतलिया गांव में फ्लैग मार्च निकाला। खैरतल पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने खैरतल थाना क्षेत्र के हरसौली व पतलिया गांवों में थाना प्रभारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों का भी जायजा लिया। इस दौरान लोगों से कानून व्यवस्था की पालना करते हुए निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान अशांति पैदा करने वाले या संदिग्ध लोगों के बारे में पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया। इसके साथ ही क्षेत्र में जगह जगह वाहनों और संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान हरसौली चेक पोस्ट से भीम सिंह सहित पुलिस व बीएसएफ के काफी संख्या में जवान मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील क्लब की अलवर शाखा के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने होली का उत्सव धूमधाम से मनाया। इस वर्ष भी होली फूलों एवं अबीर गुलाल के साथ मनाई गई। अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि इस अवसर पर क्लब की वरिष्ठ मधु नादान ने अपने वक्तव्य में कहा कि पर्व हमारे भारत की संस्कृति विरासत है, इसके प्रति हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर क्लब की सभी सदस्यों को रंग भरी होली की शुभकामनाएं दी। पीडीसी पुष्पा गुप्ता, सुमेधा गुप्ता, पुष्पा यादव, सचिव शारदा कटारिया, अंजना अनिल, पूर्व अध्यक्ष नीलू जैन, बबीता खंडेलवाल, आशा थरेजा, विनीता यादव, डॉक्टर सरोज गुप्ता, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर कुमकुम, अलका गुप्ता, शकुंतला गुप्ता, उषा गुप्ता, मंजू विशेषा एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सबको गुलाल का टीका लगाया। कार्यक्रम का संचालन शारदा कटारिया ने किया। होटल अरावली में फूलों, गुलाल एवं मधुर संगीत ने महिलाओं को नृत्य करने के लिए उत्साहित किया। अंजना सहाय ने होटल प्रबंधक श्रीमती किरण कक्कड़ का स्वादिष्ट व्यंजन के लिए एवं कार्यक्रम के संयोजन के लिए आभार जताया। सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस वर्ष के रमजान के दूसरे शुक्रवार को भी तिजारा कस्बे की मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी हुई थी। इस दौरान अकीदतमंदों द्वारा नमाज अदा की गई। इससे पहले नमाज से पूर्व बच्चे बुजुर्ग अपने घर से साफ लिबास में नमाज के लिए मस्जिदों की ओर कदम बढ़ाए। मस्जिद के सदर एडवोकेट सहरुद्दीन ने बताया कि दूसरे जुम्मे की विशेष नमाज को लेकर मस्जिदों की सफाई की गई थी। मस्जिदों में स्थान कम पड़ने पर लोगों को छतों में नमाज अदा करते देखा गया। इस मौके पर मस्जिद के इमाम मौलाना मुरसलीन ने रमजान के फजाइल से लेकर विभिन्न पहलुओं पर तकरीर की। वहीं बागवाली मस्जिद के इमाम कारी सईद अहमद ने रमजान में दी जाने वाली फित्र व जकात पर तकरीर देते हुए कहा कि रमजान का रोजा हर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इस माह में की गई इबादत एवं नेकियों पर मिलने वाले सवाबों पर जिक्र किया गया। साथ ही बताया गया कि फित्र की रकम सभी पर अर्ज है। इस्लाम के पांच बुनियाद में जकात भी एक स्तंभ है। इस मौके पर पूर्व सरपंच फत्ते मोहम्मद, मौलाना नोमान, हाजी समसू, मुख्तियार खान, अब्बास खान, डॉक्टर असलम खान आदि मौजूद थे। गांवों की मस्जिदों में भी दूसरे जुमे पर राजेदारों व अकीदतमंदों ने नमाज अदा की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष संतोष कुमार के निर्देशन में विश्व जल दिवस के अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव अक्षय शर्मा एवं पीएलवी अजय सैनी के द्वारा सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को जल संरक्षण के महत्व एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं उनके प्रभाव के उन्मूलन की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान स्कूल के प्रधानाध्यापक सुभाष सैनी, सभी अध्यापक अध्यापिका एवं बालक बालिका उपस्थित रहे। आप पार्टी लोकसभा सचिव जिला अलवर से जगन्नाथ गोयल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार के दबाव में परिवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। यह एक चुनावी साजिश है। राष्ट्रपति से निवेदन किया गया है कि चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मांग है दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिहा किया जाए। इस दौरान लोकसभा सचिव जगन्नाथ गोयल, बौद्धिक विंग के जिला अध्यक्ष गुड्डू शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज चंद्रूल, दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जाजोरिया, शरद मिश्रा, वरिष्ठ कार्यकर्ता मीडिया प्रभारी रोहिताश कुमार जाटव, जिला उपाध्यक्ष एसी विंग आदि मौजूद रहे। आज हम सब माननीय कलेक्टर साहब के पास है जो केजरीवाल जी को कल गिरफ्तार किया है, इसलिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के लिए पेश हुए हैं। इसमें लोकतंत्र की जो कल हत्या हुई है ये आम पूरे भारत देश की जनता देख रही है। जो एक आज ये पहला स्टेप है जो आज प्रधानमंत्री जो एक चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे और उसको गिरफ्तार किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसका सही राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है समस्या का समाधान करें और केजरीवाल जी को चुनाव तक कम से कम इनको समय दिया जाए, उसके बाद जो भी कार्रवाई हो वो करें। इस कार्रवाई करने के लिए कोई मनाही नहीं है। केजरीवाल जी भी ये समय मांग रहे हैं कि हमको लोकसभा का चुनाव है जो हमको करने दें और उसके बाद हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करें कर लें। सर आप भी जी, मेरा कहना ये है कि ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है और ये जो विकास का राग अलाप रहे हैं असल में विकास केजरीवाल जी ने किया है, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके और तमाम तरह का किराए को लेके, आपका बिजली को लेके, पानी को लेके वो कर रहे हैं विकास। आप कहेंगे विकास कर, आप तो सिर्फ दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे और पिछले दो साल से इसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि ये इनके प्रकरण केजरीवाल जी को अंदर डाला जाए, पार्टी अपना आप खत्म हो जाएगी और सिर्फ हमारा ही। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अलवर लोकल सेंटर की ओर से विश्व जल दिवस वैशाली नगर में स्थित इंजीनियर्स भवन पर मनाया गया। कार्यक्रम की थीम जल शांति के लिए थी। संस्था के मानद सचिव इंजीनियर आलसीएल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर ललित करोल अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग थे। उन्होंने बताया कि धरती पर जल का स्तर प्रतिदिन घटता जा रहा है, वह जल के निरंतर दोहन के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और सभी से जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने का आग्रह किया जिससे आगामी पीढ़ियों के लिए जल सुगमता से उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता मेठी ने की और सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के गुप्ता ने जल संरक्षण पर जोर दिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर योगेश मानत सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट ग्राउंड वाटर विभाग ने बताया कि कारखानों, घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि सभी जगहों पर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना आवश्यक है ताकि जल स्तर को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में संस्था के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र जोशी ने श्री विश्व जल दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विंग कमांडर मंगल सिंह, इंजीनियर मनोहर लाल यादव, ओपी शर्मा, क्षितिज माथुर, सतीश मोदी, कर्नल सुनील दत्त, राजदीप शर्मा, नरेश गुप्ता, जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता के नारंग, बी के आर्य, नरेंद्र गुप्ता, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष जिनेन्द्र जैन, सचिव दिलीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता सहित करीब 50 महिला प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहीं।
वैश्य महासंघ समिति में भारत विकास परिषद भिवाड़ी के सहयोग से होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टपुकड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर मनोज हांडा मुख्य चिकित्सा अधिकारी HMSI ग्रुप ने किया। शिविर के संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष CA राकेश गुप्ता, सचिव अमित नाहटा, सदस्य विजय बंसल, डॉक्टर राजकुमार महावर, परिषद के अध्यक्ष निरंजन खंडेलवाल व कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता ने उपस्थित होकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया, जिसके कारण 400 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। रक्त संग्रहण के लिए रोटरी क्लब सेंटर गुरुगाम की पूरी टीम उपस्थित रही। होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से डॉक्टर अमित पाटिल, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर अमित त्यागी, नर्सिंग स्टाफ मैडम प्रवीण, रोटरी ब्लड बैंक से डॉक्टर सुनील, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर जितेंद्र आदि बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद रहा। समिति व परिषद की तरफ से अतिथि डॉक्टर टीम को प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत कपड़े के थैले दिए गए तथा प्रत्येक रक्तदाताओं को एक ट्रे उपहार के रूप में दी गई। नौगावा नगर पालिका में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और नगर पालिका में हो रही गंदगी से लोग परेशान हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका में ना ही स्थायी अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया है और ना ही कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया है। नौगावा से शेरपुर जाने वाली सड़क पर नाले की सफाई नहीं होने व पानी निकास की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी भर गया है। कीचड़ भरे पानी में मोटरसाइकिल सवार प्रतिदिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं, साथ ही कपड़े और मोबाइल भी खराब हो रहे हैं। होली के पावन पर्व पर मेवात के महान संत श्री श्री 108 बाबा लालदास महाराज की पालकी एवं विशाल झांकियां बाबा लालदास मंदिर नौगावा से 24 मार्च को प्रातः 8 बजे रवाना होंगी, जो नौगावा के मुख्य बाजारों से होती हुई शेरपुर धाम तक पहुँचेगी। सभी भक्तों एवं बाबा की पालकी को इसी कीचड़ भरे पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। बाबा के हजारों भक्त मन्नत पूरी होने पर नौगावा शेरपुर गेट से शेरपुर मंदिर तक दंडौती लगाते हुए पहुंचते हैं। ऐसे में बाबा के भक्त भी परेशान हैं कि कैसे कीचड़ भरे रास्ते से होकर अपनी मन्नत पूरा करेंगे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कीचड़ के कारण ग्राहक ही नहीं रुकते। प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कटुमर कस्बे के जाट धर्मशाला में विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में जाट समाज का होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची ने कहा कि होली का त्यौहार आपसी भाईचारा व सौहार्द संदेश देता है। इस त्यौहार को बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ मिलकर बनाना चाहिए। जाट समाज के अध्यक्ष कल्लूराम चौधरी सरपंच ने बताया कि होली मिलन समारोह में विधायक रमेश खींची ने महाराजा सूरजमल की मूर्ति पर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी लोगों ने फूलों की और गुलाल की होली खेली। इस अवसर पर विधायक रमेश खींची के साथ होली के लोक गीतों पर ठुमके लगाए। इस मौके पर कठुमर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना, सरपंच शिवान चौधरी, सरपंच हरवीर चौधरी, सरपंच रणवीर चौधरी, पूर्व सरपंच तुहीराम चौधरी, पूर्व सरपंच पप्पू चौधरी, सरपंच समय सिंह चौधरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य विजेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान सुरेश चौधरी, पूर्व पंचायत समिति रामजीलाल चौधरी, पदम सिंह चौधरी, पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, गुट्टी मेंबर श्रीचंद जयसिंह चौधरी, प्रकाश नेता दुधेरी, शिवराम जाट, विजय भगत, उदय सिंह चौधरी, देवेंद्र चौधरी, मोहन नेता, कमल नेता, मोहन बड़ीका, हरप्रसाद भगत, भाजपा नेता विजयपाल चौधरी आदि मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव एवं होली रमजान सहित अन्य त्योहारों को लेकर राजगढ़ थाना पुलिस में सीएलजी सदस्य पुलिस मित्र सुरक्षा सखियों एवं ग्राम रक्षकों की बैठक डीएसपी मनीषा मीना व थानाधिकारी रामजीलाल मीना की मौजूदगी में आयोजित हुई। डीएसपी मनीषा मीना ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव होली व धुलंडी के त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सोशल मीडिया फेक न्यूज संबंधित जानकारी पुलिस को दें, जिससे पुलिस उसका खंडन कर उस पर त्वरित कार्रवाई करें। डीएसपी मनीषा मीना ने सिविजिल ऐप को इंस्टॉल करवाकर उसकी जानकारी दी। बैठक में होली व धुलंडी पर पुलिस की गश्त बढ़ाने की बात कही। थानाधिकारी रामजीलाल मीना ने लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बना प्रशासन के सहयोग करने और निर्भीक होकर मतदान करने की बात कही। इस अवसर पर सीएलजी सदस्य सहित अन्य मौजूद रहे। आज थाना परिसर में सीएलजी की सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षक की मीटिंग थी, जो कि जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, होली रमज़ान का महीना है, तो उसके मद्देनज़र रखी थी। उसमें हमने बताया कि उन लोगों से सहयोग की उम्मीद करी कि सौहार्दपूर्ण जो है इस त्यौहार को मनाया जाए, और किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी घटना होती है अप्रिय तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, उनके सहयोग के लिए पुलिस। और सोशल मीडिया पर भी अगर कोई ऐसी घटना जो है वो फॉरवर्ड की जा रही है, जो फेक न्यूज़ है, कोई वीडियो है, ऑडियो है, तो उसकी सूचना भी तुरंत जो है वो पुलिस को दें, ताकि हम उसका खंडन कर सकें उस घटना का और उचित कार्रवाई कर सकें। ठीक है, और आपसे भी यही उम्मीद है कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार की बात, लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तैयारी में है। हम लोग पूरा गश्त करते हैं, जाप्ता है और सब चीज़ जो है सीजर वगैरह सब हो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए रूट मार्च भी हो रहे हैं, और सब लोग जो गरीब जो इलेक्शन में वल्नरेबल पॉकेट्स में रहते हैं, उनके लिए भी हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहे हैं। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभागार में शुक्रवार को होली महोत्सव मनाया गया। बीएमए के अध्यक्ष चौ जसवीर सिंह राणा व बीएमए के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना कर कार्यक्रम शुरू किया, और कार्यक्रम संयोजक एडीएम सिटी धारुएड़ा रहे। इसके बाद वृंदावन के कलाकारों के द्वारा उड़ती कुलजरिया संदेशों मारो लेती जायजे रे मारा सतगुरु भया रंगरेज चुनरिया रंगदारी जैसे भजनों से माहौल को फागुनी बना दिया। गोविंद जी थारी सांवली सूरत भजन के साथ कलाकारों ने राधा कृष्ण और गोप ग्वालिन के स्वरूप के साथ नृत्य वाटिका प्रस्तुत की। सभी उद्यमियों ने एक दूसरे को चंदन का तिलक लगाकर वह 2 क्विंटल गुलाब की फूल पत्तियों से होली खेली और एक दूसरे को होली का हार्दिक शुभकामनाएं दी और एक दूसरे को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया। होली मिलन समारोह में नगर परिषद के चेयरमैन शीशराम तंवर, सरकारी विभाग जैसे रिको, JVVNL, जिला उद्योग केंद्र GST, पर्यावरण विभाग, फैक्ट्री एंड बॉयलर, ESI, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आदि के पद अधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान बीएमए के पूर्व अध्यक्ष हरिराम शर्मा, राम नारायण चौधरी, मानद सचिव GL स्वामी, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार गोयल, उपाध्यक्ष राजवीर सिंह, गोविंद चांदना, प्रदीप भदौरिया, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, मुकेश जैन, SS शेखावत, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश रावत, उदेश्वर मिश्रा, शशि भूषण, PC राय, संपूर्ण सिंह, अजीत सिंह देशवाल, BD यादव, महेश अदाना, रामकिशन भारद्वाज, राजीव रंजन, राजवीर दायमा, सुखदेव सिंह, वीरेंद्र सिंह उप कोषाध्यक्ष, गोविंद प्रसाद गुप्ता, देशराज तंवर, किशन लाल, देवेंद्र चौहान, धर्मवीर सिंह देशवाल, KL भारद्वाज, नितिन रस्तोगी, रतन कुमार, राम अवतार गोयल, सुनील जैन, भारत भूषण बंसल, अनिल कुमार शर्मा, CS गुप्ता, DK यादव, JK शर्मा, मेहर चंद प्रजापत, CA हिमांशु अग्रवाल, CA राकेश गुप्ता, CA रोहित गुप्ता, विक्रम सिंह राजावत आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास के निकटवर्ती गांव कांकरा में पुलिस ने घरों के अंदर से नकली पेट्रोल के करीब 200 ड्रम व 2 प्लास्टिक की टंकियों में करीब 44,000 लीटर पारदर्शी तरल पदार्थ पकड़ा है। पकड़े गए तरल पदार्थ को आसपास गांव में पेट्रोल डीजल के रूप में बेचा जाता था। पुलिस ने 4 मकानों के अंदर रखे यह केमिकल से भरे ड्रम जब्त किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवरतन ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव कांकरा की सुखपाल की ढाणी में नकली पेट्रोल व डीजल के कारोबार चल रहा है। सूचना पर शुक्रवार को खैरसल तिजारा SP मनीष कुमार चौधरी,
एसएसपी नवरतन लाल, डीएसपी राजेंद्र सिंह, डीएसटी प्रभारी राकेश कुमार, किशनगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, एएसआई सादिक खान, कृष्ण कुमार ने गांव कांकरा में सुखपाल की ढाणी पर छापा मारा। इसमें चार मकानों के अंदर करीब 200 ड्रम व दो प्लास्टिक की टंकियां केमिकल से भरी हुई मिली है। पुलिस ने 200 ड्रम केमिकल के जब्त किए एवं मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। डीएसपी राजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव कांकरा में घरों के अंदर मिले अति ज्वलनशील पदार्थ के मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। एक पिकअप गाड़ी भी जब्त की है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। जिला रसद अधिकारी रणधीर सिंह ने बताया कि गांव कांकरा में चार पांच घरों के अंदर 44,350 लीटर पारदर्शी तरल पदार्थ ड्रम व टंकियों में भरा हुआ 200 लीटर क्षमता के 213 ड्रम, दो प्लास्टिक की टंकी, 1000 लीटर की एक, 750 लीटर की एक पारदर्शी तरल पदार्थ मिला है। यह ना तो पेट्रोल प्रतीत होता है और न ही डीजल प्रतीत होता है। टेलीफोन तो सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, तो यहाँ मौके पर हम आए हैं। मौके पर इन मकानातों में ड्रमों में एक पारदर्शी तरल पदार्थ मिला है जो न तो डीजल ही प्रतीत हो रहा है न ही पेट्रोल है। तो ऐसी स्थिति में इसमें ECF के तहत कोई कार्रवाई अपेक्षित नजर नहीं आ रही है, जिसकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जानी है। तो उनको हम हमारी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सेल्स ऑफिसर श्री शुभम भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके द्वारा इस तरल पदार्थ की डेंसिटी जांची गई, तो इसमें आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। मतलब डीजल पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है तो ये डीजल पेट्रोल नहीं है, आप क्या कहने का मतलब? तो अभी ये कहना अभी नहीं कहना, अभी जांच नहीं आई है, मतलब अभी जांच आई नहीं है। तो आप ये कैसे कह रहे हो बगैर जांच के कि भाई पेट्रोल डीजल नहीं है? पारदर्शी तरल पदार्थ है तो वो न तो डीजल की श्रेणी में आ रहा है न ही पेट्रोल की श्रेणी में आ रहा है। इसको मतलब वाहन चलाने के लिए काम में लिया जा रहा है? ये तो यहाँ भंडारित किया हुआ है, वो भंडारण किया हुआ है, ज्वलनशील है, इसमें इसलिए कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। मौके पर कौन कौन से अधिकारी पहुंचे? मौके पर जिला अधिकारी और यहाँ की जो प्रवर्तन अधिकारी है रेखा जी वो पहुंची। खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।